ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड मामले में 3 और मौत हुई है। शिफ्टिंग के बाद 3 गंभीर मरीजों ने दम तोड़ दिया। कल आपको याद होगा जया रोग के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी थी, कल ही एक मरीज ने दम तोड़ दिया था। अब 3 और मौत हो गई है, शिफ्टिंग के बाद 3 गंभीर मरीजों ने भी दम तोड़ दिया है। तो बेहद गंभीर होता जा रहा है ये मामला। हालांकि कल ही अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ये जो मौत है वो एसी के ब्लास्ट होने के कारण नहीं बल्कि क्रिटिकल कंडीशन के कारण हुई थी। और अब आप देखिए कल जो शिफ्टिंग हुई उसके बाद 3 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। नासिर गौरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर, 3 और मौत ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड के बाद, अस्पताल प्रबंधन का क्या कह रहा है? कल की तरह क्या वो आज भी यही कह रहे हैं कि ये मौत सामान्य है, क्रिटिकल कंडीशन के कारण या फिर शिफ्टिंग के कारण? देखिए, उनका कहना अभी भी यही है कि ये जो क्रिटिकल कंडीशन थी, यानी कि M1 पोजीशन में थे, M1 पोजीशन यानी कि इनकी तरह से पूरी तरह से ब्रेन था वो डेड था और वो वेंटिलेटर पे थे और वेंटिलेटर के बाद आग लग गई थी। फिर उनको शिफ्ट किया गया था दूसरी बिल्डिंग में, दूसरी बिल्डिंग में भी शिफ्ट हो गए थे लेकिन देर रात इनकी डेथ हो गई है। तो इनका अभी भी जो अस्पताल प्रबंधन है उनका कहना है कि इनकी पहले से क्रिटिकल कंडीशन थी और तभी क्रिटिकल कंडीशन थी तभी वेंटिलेटर पे थे। तो ऐसा इस हादसे से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि ये उसी बिल्डिंग में थे और उसी ICU में एडमिट थे इसलिए ये 3 डेथें अभी इस पूरे घटनाक्रम में अब तक हो चुकी हैं। के लिए नासिर। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिफ्टिंग के बाद 3 गंभीर मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी नासिर गौरी बता रहे थे कि अब भी जया रोग अस्पताल प्रबंधन का यही कहना है कि जो मौत हुई है वो शिफ्टिंग के कारण नहीं हुई है बल्कि इससे पहले ही जितने भी मरीज थे ICU में यहाँ पर एडमिट थे इस कारण उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी और इस कारण उन्होंने दम तोड़ा है। हालांकि जांच भी जरूर की जा रही है, कई लापरवाही भी सामने आई थी क्योंकि जितने भी फायर सेफ्टी उपकरण थे वो भी एक्सपायर हो चुके थे, जांच भी हो रही है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का यही अभी कहना है कि क्रिटिकल कंडीशन इनकी मौत की वजह है ना कि AC ब्लास्ट। ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड में 3 और मौत हुई है, शिफ्टिंग के बाद 3 गंभीर मरीजों ने दम तोड़ दिया। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि जया रोग के ट्रॉमा सेंटर में भीषण आग लग गई थी, AC ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आनन फानन में मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। कल ही एक मरीज ने दम तोड़ दिया था। ICU में कुल 10 मरीज एडमिट थे और 10 में से अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का अब भी वही रटा रटाया जवाब है कि इनकी मौत क्रिटिकल कंडीशन के कारण हुई है ना कि AC ब्लास्ट के कारण। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और IBC 24 ने पड़ताल भी की थी कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स एक्सपायर हो चुके थे, फायर ऑडिट काफी लंबे समय से नहीं हुआ था और ऐसे में अस्पताल प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े हुए और अब आप देखिए मरने वालों का आंकड़ा 4 तक जा पहुंचा है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं ग्वालियर का, हमारे साथ संवाददाता नासिर गौरी लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, बेहद बड़ी खबर, कल एक मरीज ने दम तोड़ा था और आज 3 और मरीजों ने दम तोड़ दिया, अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है? हालांकि जांच भी हो रही है, जांच कहां तक पहुंची है नासिर? देखिए, देर रात इनकी डेथ हो गई है, जो 3 मरीज थे, सबसे पहले आजाद खान की डेथ हुई, फिर रजनी राठौर की और फिर बाबूलाल की। ये तीनों जो लोग थे वेंटिलेटर पे थे और जैसा कि 10 जो ICU का जो ट्रॉमा सेंटर है जहां पर जिस जगह पर आग लगी थी वहां पर 10 लोग थे, 6 वेंटिलेटर पे थे और 4 ऑक्सीजन के सपोर्ट पर थे, लेकिन जब आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल हुआ, उनको शिफ्ट किया गया और उसके बाद जो उनके फैमिली के लोग हैं उनका कहना है कि उनको ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल पाया जिसके कारण उनका दम घुट गया और जिसके चलते मौत हो गई। लेकिन अगर दूसरी और देखा जाए तो डॉक्टर्स का जो कहना है, यानी कि डीन ने जो जांच कमेटी बनाई थी, उन डीन की जांच कमेटी और जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ है उनकी जो जांच कमेटी है उनके मुताबिक ये जो डेथ हुई है वो डेथ स्वाभाविक है, यानी कि उनकी जो क्रिटिकल कंडीशन थी उसके कारण हुई है। लेकिन फिलहाल हमने जो पड़ताल करी उसमें साफ जाहिर हुआ था कि ये जो इक्विपमेंट थे, फायर इक्विपमेंट थे वो सही नहीं थे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट थे वो सही नहीं थे जिसके कारण ये मौतें हुई थी, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट मिलना चाहिए था
तुरंत वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये सब चीजें हुई। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हम फायर इक्विपमेंट दिखा रहे हैं कि 2021 में रिफिल होता है, 2022 तक का उसकी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन उसके बाद उसको रिफिल नहीं किया जाता है। ऐसे तीन और सिलेंडर थे फायर इक्विपमेंट के, वो भी मिले थे, उनके ऊपर तो कोई डेट्स नहीं थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ा घटनाक्रम था। हालांकि उस समय तो रुक गया था, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो मौतों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तीन लोगों की अब तक इस पूरे मामले में डेथ हो चुकी है, लेकिन हालांकि अभी भी जो कलेक्टर की जो जांच कमेटी है वो जांच कर रही है, फायर इक्विपमेंट सेफ्टी को लेकर बात कर रही है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उनको लेकर जांच की जा रही है, और उसके साथ ही प्रभारी मंत्री के आदेश पर भी ये जांच कमेटी गठित की गई है। तो फिलहाल अभी जांच कमेटी की, जैसे कि आप बता रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन वही रटा रटा जवाब दे रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन, और ऐसे में ये बात है कि सच्चाई सामने कैसे आएगी, क्योंकि डॉक्टर्स बिना जांच के अभी से ये मान ले रहे हैं कि क्रिटिकल कंडीशन थी इनकी, एसी ब्लास्ट के कारण इनकी मौत नहीं हुई है। कल भी वो यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं। और जो बाकी मरीज है, जो 6 मरीज है जिन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है, उनकी स्थिति कैसी है बिनासिर? देखिए, मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, यानी कि ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ से ट्रॉमा सेंटर से जो न्यूरोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है आईसीयू, उसमें जो मरीज थे उनको शिफ्ट किया गया था, लेकिन उनकी भी हालत अभी क्रिटिकल है। और ऐसे में क्योंकि हेड इंजरी के जो लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर रखा गया है और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि जो जाँच कमेटी बनाई गई है, जाँच कमेटी के मेम्बर्स वो लोग हैं जो इस मसले में कहीं ना कहीं दोषी हो सकते हैं। यानी कि ट्रॉमा सेंटर के जो नोडल ऑफिसर हैं जितेंद्र अग्रवाल, उनको जांच कमेटी में रखा गया है। यानी कि जो ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी है, नोडल ऑफिसर है, वो अगर जांच कमेटी में होंगे तो जांच अच्छी कैसे करेंगे, निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा होता है। इसी तरह से सहायक अधीक्षक है, उनको भी जांच कमेटी में रखा गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बाहर के लोग होना चाहिए थे, बाहर की एजेंसी होना चाहिए थी, या प्रशासनिक अफसर होते वो शायद जांच करते तो शायद दूध का दूध वो पानी का पानी होता। लेकिन उस कमेटी में उन लोगों को दोषी रखा गया है जो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में दोषी होते। आप बिल्कुल नासिर, आप भी नजर बना करके रखिएगा कि अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या सामने आता है। और बड़ी बात यह है कि ऐसी जगह जहां पर क्रिटिकल लोगों को रखा जाता है, वहां पर कोई हादसा हो जाए तो जाहिर सी बात है लोगों को लेने के देने ही पड़ जाएंगे, और कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। शुक्रिया नासिर पूरी जानकारी के।